जमीनी विवाद को लेकर 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बेतिया के GMCH अस्पताल में कराया पोस्टमार्टम। आपको बता दें, मामला नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर बाजार का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मृतक नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर बाजार में फल व्यवसायी है। पाटीदारों से वर्षों पूर्व से जमीनी विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर आज मंगलपुर बाजार में चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव को स्थानीय थाने में लाकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के मुख्य आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर गुदरिया निवासी हरिकेश शाह के 40 वर्षीय पुत्र बसंत कुमार शाह के रूप में हुई है। जमीनी विवाद चल रहा है, मसूरी बोए थे 15 का था, ठीक है, नापी हुआ, नापी में निकल गया, हम लोग जोतवा दिए तो लालू पासवान ने रेहान लिया था सुनील शाह से, 30,000 रुपया बोल रहा था, 30,000 रुपया हम रेहान पर लिए हुए हैं। तो हम बोले कि तुम रेहन पर लिए तो उनसे समझो, हमसे नहीं समझो। तो परसों आके लालू पासवान बोलता है भैया के अगर मसूरी जोता गया तो तुम्हारा हाथ गोड़ तुरवा देंगे, ये कर देंगे, मरवा देंगे, ठीक है। तो कल परसों सब सेटिंग किया है और एक बाइक आकर टूट पड़ा है, राकेश शाह, सुनील शाह, पप्पू शाह, विजय शाह, पूरा ग्रुप है उनका, बहुत है, कितना नाम रखे हैं आपको, ठीक है। एक बाइक छुरा मार दिया है, हम छुड़ाते छुड़ाते देखिए हमको लेकर भागते भागते हॉस्पिटल में आए, नौतन आए तो वहाँ पर देख कर गए भाई मेरा। किसको छुरा मारा है, क्या नाम पड़ेगा? बसंत शाह मेरा भाई है, उनको छुरा मार दिया। कहाँ घर पड़ेगा उनका? मंगलपुर गुदरिया। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम बिंदा शाह। क्या लगते हैं आप उन्हें? मेरा भाई है, बड़े भाई है।